दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देवी सिंह चैनल पर। आज हम आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है दशमलव के जो और बाकी। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारा नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दशमलव के जोड़ और बाकी किस प्रकार से किए जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले एक सवाल लेते हैं, 532.154। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दशमलव के बाद की संख्याएं सिंगल संख्या ही पढ़ी जाएगी और सिंगल संख्या ही लिखी जाएगी। तो हमने उसी प्रकार से पढ़ा, 532.154 का विस्तारित रूप लिखिए। तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, पाँच के बाद कितने अंक हैं, दो, दो जीरो बढ़ा दिए, प्लस करके तीन के बाद एक जीरो, प्लस टू। अब दशमलव के बाद की संख्या किस प्रकार से लिखेंगे, प्लस एक है, एक बटे दस, दसवां हिस्सा है, प्लस पाँच बटे सौवां हिस्सा है, प्लस चार बटे एक हजारवां। ठीक है लोगों, दोस्तों ये होगा इसका विस्तारित रूप, या इसे दूसरी भाषा में स्थानीय मान भी कहते हैं। इसको इनके स्थानीय मान भी कहते हैं, स्थानीय मान से तात्पर्य। अब यहाँ से हमें भी पता लगता है कि पाँच का स्थानीय मान कितना है, 500, तीन का 30, दो का 2, और दशमलव एक का स्थानीय मान 1/10, दशमलव पाँच का 1/5 का स्थान 5/1100, और 4 का 1/1000, ये स्थानीय मान का रूप होता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं, 325.3007 का विस्तारित रूप लिखिए, 325.3007 का विस्तारित रूप लिखिए। तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, 3 के बाद 2 अंक हैं, 2.0, 2 के बाद 1 अंक है, 1.0, धन 5, धन 3/10, धन 0/10, 100, धन 0/1000, धन 7/1, 2, 3, 4, 10,000। तो दोस्तों इसका विस्तारित रूप ये हुआ और यही इसके स्थानीय मान कहलाते हैं, स्थानीय मान। तो ये तो हमने समझा विस्तारित रूप किस प्रकार से निकाले जाते हैं, स्थानीय मान कैसे प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि दशमलव की संख्याओं का जोड़ या योग किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर सवाल लिखा है, 11.21, 122.37, 10,021.21 का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को हम स्तंभ विधि से हल करेंगे, संख्याएं लिखेंगे। पहली संख्या है 11.21, दूसरी है 122, दो यहाँ आएंगे इकाई के नीचे, एक और दशमलव की शीट में 37। तीसरी संख्या है 10,021, 2001.21। कहने का मतलब ये है दशमलव का चिन्ह एक सीध में होना चाहिए। अब इसे अपन जोड़ देंगे, 7, 1, 8, 1, 9, 3, 2, 5, 6, 7, दशमलव की सीध में 10, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 5, और 1, 0, 1, यानी कि आंसर आया 10,154.79। जिन दोस्तों का ये सब आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी पे इसी कॉन्सेप्ट का एक नया और सवाल लेते हैं। जैसा कि ये लिखा है 0.37, 8, 82.04, 732, 7321.632, 08.0 का योग ज्ञात कीजिए। तो इन सारी संख्याओं को हम लिख लेंगे स्तंभ में, 0.37, 82.04, 7, 3, 2, 1.632, 0.8, 0.0।
इसे जोड़ने हैं अपन को। तो देखिए डिजिट समान करने के लिए शेष खाली स्थानों पर जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी बढ़ा सकते थे, हमने नहीं बढ़ाया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से बढ़ा दिए हमने। यहाँ पे दो डिजिट खाली हैं, यहाँ भी दो डिजिट खाली हैं, यहाँ भी दो डिजिट खाली हैं और यहाँ भी तीन डिजिट खाली हैं। अब अपने पास सभी डिजिट समान हो गए, सभी अंक समान हो गए। अब अपने इसको जोड़ते हैं, 1, 2, 3, 7, 4, 11 और 3, 14 हासिल आई 1, यहाँ पे लिख लिया हमने, 4, 6, 10 की 0 हासिल 1, 1 यहाँ आ गई, 3, 4, 12 और 1 हासिल की, 8, 1, 9, 10, 11 1 हासिल की, 3 और 1, 4 हासिल ख़त्म, 7 की 7 डिजिट और पॉइंट की सीध में पॉइंट। तो 4,7,412.04 जिन दोस्तों का ये सवाल आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट। तो दोस्तों दशमलव के जोड़ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब चलिए बाकी घटाना किस प्रकार से करते हैं। स्क्रीन पे लिखा है 18.375 में से 2.35 जिन 3 0 5 को घटाइए। तो घटाते हैं अपन, स्तंभ विधि में लिख लेंगे 18.375, नीचे है 2.305। डिजिट समान करने के लिए 0 यहाँ बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, हटा देंगे, 5 में से 5 0, 7, 3 में से 3 0, 10 के स्थान पर 8 में से 2 6 और 1, 16.07 ये आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इस प्रकार का एक सवाल और लेते हैं। जैसा कि ये लिखा है 756.0008 2.25.01 को घटाइए। तो लिख देते हैं 756.0001 25.01 कटाना है। डेट समान करने के लिए 0 यहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, 1 0 यहाँ बढ़ाया, माइनस का चिन्ह लगा लिया, अब हटाइए 8, 0 में से 0 0, 10 में से 1 9 हासिल 1 आ गई, 10 में से 1 9 हासिल 1 आई, 6 में से 6 0 हासिल ख़त्म, 5 में से 2 3 और 7 के 7 दशमलव के स्थान पर 7.3.99001 जिन दोस्तों को ये आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको दशमलव के जोड़ और घटाने के बारे में जानकारी दी। आगे भी कोई भी सवाल आ जाए दशमलव का जोड़ और बाकी का, तो हम इस प्रकार से उनको कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दशमलव के गुणा और भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, गुड मॉर्निंग।